उत्तर प्रदेश के बांदा में पेट्रोल पंप पर युवती से दिन दिहाड़े छेड़खानी करने वाली युवक के घर पर चला बाबा का बुलडोजर। छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आनंद फाना मुकदमा पंजीकृत कर युवक को किया गिरफ्तार। वही सुसागन धराव में भेजा जेल, साथ ही गुंडा एक्ट के तहत ही जिला बदर जैसी की जाएगी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर आरोपी के घर पर चलाया गया बुलडोजर। वहीं भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भी ये की गई कार्रवाई। जनपद में छेड़खानी पर आरोपी के खिलाफ ही बुलडोजर चलाकर पुलिस ने पेश की नजर। पूरा मामला नरेन थाना क्षेत्र के गुड़ाकला गांव का बताया जा रहा। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए बांदा उत्तर प्रदेश से दानिश शाही। सर, ये मिशन शक्ति अभियान के तहत बांदा पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? ये शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक मिशन शक्ति, इसके तहत बांदा पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। दिनांक 27 जनवरी को एक युवक, जब वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहा था, तो उसकी लड़की के साथ एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप दीक्षित है, उसने छेड़खानी की थी। तत्काल उस वीडियो का संज्ञान लिया गया और एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा मुकदमा लिखवा के उस अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। आज इसी क्रम में उस व्यक्ति की अवैध संपत्ति को चिन्हित करके उस अवैध निर्माण को आज ध्वस्त कर दिया गया है। आगे भी इस प्रकरण में गुंडा एक्ट के तहत अभियुक्त को जिला बदर कराया जाएगा। ऐसा करने से समाज में महिलाओं में एक सुरक्षा का भाव प्रबल होगा तथा ऐसे व्यक्ति जो महिला संबंधी अपराध कारित करते हैं, शोधे हैं, बंचले हैं, उनमें कानून का भय व्याप्त होगा।